असलम वीवर्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम आपके साथ झटपट और मज़े की बनने वाली तंदूरी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और यम्मी रेसिपी है मेक श्योर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं तो बेसिकली हमने चिकन तंदूरी रेसिपी बनानी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है हम ये आपको जो क्वांटिटी बता रहे हैं वो एक के जी चिकन के साथ है साथ ही हमने यहाँ पर दो टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है साथ ही हम कुछ राइस स्पाइसिस ऐड करेंगे जिसमें हमने ऐड किया है धनिया पाउडर एक टेबल स्पून एक, टीज़्पून, एक, टीज़्पून, एक, टीज़्पून, एक टी स्पून सौफ्का पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर हाफ टी स्पून गर्म मसाला एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एक टीस्पून नमक और हमने यहाँ पर तंदूरी मसाला ऐड किया है दो टेबल स्पून अब आप आपके हिसाब से तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं और आपके हिसाब से आप कोई भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं साथ ही हमने यहाँ पर एक टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है सारी चीज़ों को हम अब अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे दही हाफ कप दही हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हंग कर्ड है बिल्कुल भी पानी आप इसमें यूज ना करें दही के साथ भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है वन बाई फोर टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर तंदूरी में कलर होता है हम इसलिए ऐड कर रहे हैं अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे एक टेबल स्पून चाट मसाला ये भी हम भूल गए थे या तो आप चाहे तो मसालों के साथ भी ऐड कर सकते हैं देखिए जो हमारा चिकन का मसाला है वो रेडी हो गया है अब हम चिकन को ऐड करेंगे तो देखिए अगर आपको होल चिकन ऐड करनी है तो आप होल चिकन भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको एक के जी चिकन को फोर पीसेस में कट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं मगर हमने इसमें छोटे छोटे पीसेस कर लिए जो हम करी कट्स होते हैं वो वाले हमने इसमें पीसेस ऐड कर लिए हैं तो देखिए चिकन पे हमने कट्स लगाई है जो भी बड़े बड़े पीसेस हैं हमने उस पर दो से तीन कट्स लगाए हैं ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से कोट हो सके सारी चिकन को हम अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे तो देखिए चिकन को हमने मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लिया है अब हम इसे रखेंगे या तो ओवरनाइट फ्रिज में या फिर ओवर डे या फिर आप इसे दो से तीन घंटे में भी बना सकते हैं तो चलिए हमने यहाँ पर दो से तीन घंटे में इसे बनाया था तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लेना है हमारा बड़ा पैन है हम इसमें ऐड करेंगे दो से तीन टेबल स्पून ऑयल साथ ही हम सारी चिकन इसमें ऐड करेंगे पैन हमारा बड़ा है इसलिए हम सारी चिकन एक साथ फ्राई करने डाल देंगे अगर आपके पास पैन छोटा है तो आप एक से दो बैच में इसे फ्राई कर लें चिकन को हम 80 परसेंट तक कुक करेंगे तो देखिए एक से दो मिनट के बाद हम चिकन की साइड को चेंज करेंगे सबसे पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पर फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन हमें चिकन को आठ से दस मिनट के लिए फ्राई करना है दोनों साइड से जब चिकन हमारी एटी परसेंट कुक हो जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो देखिए चिकन को हमने 80 परसेंट तक दोनों तरफ से कुक कर लिया है अराउंड हमने 10 मिनट के लिए इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है चिकन हमारी डन है अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे अब हम इसमें एक स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए कोयले को हमने गर्म कर लिया था साथ ही हम इसमें रखेंगे और ऊपर से हम इसे अच्छे से कवर करेंगे दस मिनट के लिए ताकि एक स्मोकी फ्लेवर हमारे चिकन में आए आप चाहे तो चिकन भून भी सकते हैं तो देखिए साइड में हमने चावल बॉईल करने के लिए पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है साथ ही जब इस तरीके से छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी का टुकड़ा साथ ही एक काली इलायची साथ ही एक टी हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है तीन से चार हरी मिर्चें ऐड करनी है थोड़ा सा पुदीना थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे गरम मसाला और हरा धनिया हरी मिर्चें हमने इसलिए ऐड किए हैं ताकि चावल में एक अच्छा सा फ्लेवर आए साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे तीन से चार टेबलस्पून नमक आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं तो देखिए तकरीबन हमने यहाँ पर आधा किलो चावल ले लिए हैं एक के जी चिकन के लिए तो हमने यहाँ पर आधा किलो चावल के डबल हमने इसमें पानी रखा है ताकि हमारे चावल अच्छे से बॉईल हो सके चावल को हमने फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स पहले भिगोने रखा था हमने यहाँ पर अच्छे वाले बासमती चावल यूज़ किए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप चाहे तो इंडिया गेट के बासमती राइस यूज़ कर सकते हैं या फिर पंजाब गेट के बहुत ही ज़बरदस्त उनकी क्वालिटी होती है बहुत ही खिले खिले चावल उसके बनते हैं अगर आपको एक अच्छी बिरयानी बनानी है तो आपने पहले तो अच्छे बिरयानी चावल इस्तेमाल करने हैं जिससे आपकी बिरयानी के चावल खिले खिले भी हो गए और आपकी बिरयानी में भी अच्छा टेस्ट आएगा और दिखने में भी आपकी बिरयानी ब्यूटीफुल लगेंगी तो देखिए पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है इस स्टेज पे हम इसमें चावल ऐड करेंगे तो देखिए मैंने चिकन एक के जी ली है उस हिसाब से मैंने आधा किलो चावल इसमें ऐड किए हैं अगर आपको एक के जी चिकन के साथ एक किलो चावल इस्तेमाल करने हैं तो आप कर सकते हैं मगर उसमें चिकन की क्वान्टिटी कम लगेंगे अगर आपको चिकन कम पसंद है तो आप उस हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं तो देखिए सारे चावलों को हमने इसमें ऐड कर दिया है अब हम चावलों के बॉईल का वेट करेंगे जब तक कि हमारे चावल बॉईल होते हैं हम यहाँ पर तंदूरी बिरयानी का प्रिपरेशन करेंगे तो जिसमें आप दम करने वाले बिरयानी उसी डेक्चे में हमने ऐड करना है ऑयल अराउंड हमने यहाँ पर हाफ़ कप जितना ऑयल ऐड कर दिया है साथ ही हम इसमें तीन मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से पतला पतला स्लाइस करके ऐड करेंगे बेसिकली हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे जैसे हम बिरिस्ता प्रिपेयर करते हैं उसी स्टेज तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है तो देखिए अब हम यहाँ पर एक मिक्सी जार में मीडियम साइज के दो टमाटर को इस तरीके से मोटा मोटा चॉप कर लेंगे साथ ही हमने यहाँ पर हरी मिर्च ऐड की है आपको जितना स्पाइसी खाना पसंद है आप उस हिसाब से इसमें मिर्ची ऐड कर दे और दोनों को हम अच्छे से ब्लेंड करके लेंगे प्याज हमारी फ्राई हो रही है जब तक कि हम चावल चेक करते हैं तो देखिए चावलों में अच्छा सा बॉईल आ गया है हमको तकरीबन 80 टू 85 परसेंट तक चावलों को गला लेना है ज़्यादा भी हम गलाएंगे नहीं क्योंकि अगर आपको खिले खिले चावल बिरयानी के पसंद है तो आपने 80 टू 85 परसेंट तक की चावलों को गलाना है अगर आप ज़्यादा गलाएंगे तो आपके चावल टूट सकते हैं दम में हम ट्वेंटी तक इसे दम पर पकाएंगे तो देखिए चावल को हम इस तरीके से चेक करेंगे कि जब हम इसे हाथों से तोड़ेंगे तो ये दो टुकड़ों में टूट जाना चाहिए ना कि ये स्मैश होना चाहिए हमारे चावल परफेक्टली कुक हो गए हैं अब हम चावलों का सारा पानी ड्रेन कर देंगे और हम चावलों को छन्नी में रख देंगे जब तक कि देखिए हमारे प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं प्याजों ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया तो देखिए प्याजों ने कलर चेंज कर दिया है प्याज़ गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हमारी ग्रीन चिली का पेस्ट जो हमने बना के रखा था टमाटर को भी हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक नमक हमने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे नमक आप एक साथ भी ऐड ना करें क्योंकि हमने तंदूरी में भी नमक ऐड किया है साथ ही हम इसका मसाला भी इसमें यूज़ करेंगे उसमें भी नमक है इसलिए आप पहले थोड़ा ही नमक ऐड कर दें तो देखिए अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट तो देखिए तंदूरी में भी हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है इसलिए हमने इसमें ऐड किया है थ्री टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मसाले के हिसाब से हमने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए जब तक कि इसका कच्चा स्मेल निकल ना जाए तो देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हमने एक से दो मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पे भूना है प्याज और टमाटर के साथ अब हम इसमें कुछ राइस स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हमने ऐड किया है एक टेबल स्पून धनिया पाउडर दो टेबल स्पून तंदूरी मसाला एक टी स्पून का पाउडर हाफ टी स्पून गर्म मसाला एक टी स्पून जीरा पाउडर एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर तो देखिए मसाले हमारे बहुत ही मिनिमल है तंदूरी बिरयानी में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए हमने इसमें थोड़े से ही मसाले ऐड किए हैं बाकी जो हमारा जो तंदूरी का जो मसाला है वो हमने फेंकना नहीं है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे तो पहले हम ये ड्राई मसालों को अच्छे से भून लेंगे देखिए हमने मसालों को अच्छे से भूना है और जो हमारे तंदूरी का जो लेफ़्ट ओवर मसाला है वो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके हम जो हमारा बोल है उसको भी क्लीन करके वो भी पानी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा भी मसाला हम वेस्ट नहीं करेंगे सारे मसालों को हम हमारे बिरयानी में ऐड करेंगे देखिए हमने दही तंदूरी के साथ ही मिक्स किया था जो कि काफ़ी है ज़्यादा दही हम इसमें ऐड नहीं करेंगे जो तंदूरी बिरयानी होती है वो कम मसालों से ही बहुत टेस्टी बनती है तो देखिए सारे मसालों को अब हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि एक थोड़ी सी ग्रेवी रेडी हो सके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक चिकन स्टॉक क्यूब अगर आपके पास चिकन स्टॉक क्यूब नहीं है तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं तकरीबन एक टी देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है आप देख सकते हैं ऑयल और मसाला अच्छे से सेपरेट हो गया है ध्यान रखिए मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे जिससे हमारी बिरयानी बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल लगेंगी कोई भी मसाला कच्चा नहीं लगेगा और खाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा साथ ही हम इसमें हाफ कप जितना देखिए पानी ऐड कर दिए थे और इस तरीके से एक ग्रेवी रेडी हो चुकी है अब हम क्या करेंगे तो सारी चिकन अब हम इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे और देखिए हमारी चिकन भी 80 परसेंट तक डन है हमारे चावल भी 80 परसेंट तक डन है बस हमें चिकन को इसमें मसाले में ऐड करना है एक मरतबा हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हम इस पर चावल ऐड करेंगे और इसे हम दम पर रखेंगे और हमारी बिरयानी बन कर रेडी हो जाएगी बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपके साथ यह रेसिपी शेयर की है यकीन मानिए बहुत ही मज़े की हमारी तंदूरी बिरयानी बन के रेडी हुई थी बिल्कुल कम ताम जाम के साथ और बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है मेक श्योर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें तो देखिए सारी चिकन को हमने इसमें ऐड कर दिया है एक मरतबा हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला और चिकन है वो अच्छे से एक दूसरे में कोट हो जाए मसाले के साथ चिकन को हमने इस तरीके से मिक्स कर देना है गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है वरना जो हमारा मसाला है वो जल सकता है आप चाहे तो स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं Osionfish. तो देखिए चिकन और मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है इस तरीके से अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चावल तो सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है साथ ही हमने इस तरीके से चावल ऐड कर देने हैं आप थोड़े थोड़े करके भी चावल ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसकी लेयरिंग लेश्च भी कर सकते हैं पहले चावल ऐड करके उसके ऊपर कर चिकन ऐड करके फिर चावल फिर चिकन बस हमने इसे दो लेयर में ही कम्प्लीट किया है इस तरीके से क्योंकि हमने यहाँ पर वन पॉट बिरयानी ही रेडी करनी थी तो देखिए इस तरीके से सारे चावल को हमने बिछा लेना है देखिए चावल हमारे अच्छे से हमने बिछा दिए हैं अब हम ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे तो जो चिलीज हमने चावलों में ऐड की थी वही हमने ऐड की आप चाहे तो एक्स्ट्रा कट करके भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा बिरिस्ता ऐड करेंगे अब ध्यान दें जो आपने चिकन फ्राई किए थे वो कढ़ाई में जो ऑयल है वो हमने इसमें ऐड कर देना है अगर आपके कढ़ाई में ऑयल नहीं बचा है तो आप क्या करें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल या फिर घी ऐड कर सकते हैं मगर हमारे देखिए ये ऑयल बचा हुआ था इसलिए हमने इस तरीके से ऊपर से इस पर कर दिया है जो चिकन का फ्लेवर है वो सारा उस ऑयल में है जिससे हमारे चावलों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा अब हम इसे अच्छे से कवर करेंगे फॉइल से इस तरीके से और ऊपर से हम इसे ढककर पकाएंगे अराउंड दस मिनट के लिए हम इसे दम देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा वेट भी रख सकते तो दस मिनट के बाद हम चेक करते हैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और हमने इसके लिड को हटा देना है और देखिए खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बिरयानी बनकर रेडी है कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत ही मज़े के खिले खिले चावल भी बने थे अगर आपको चावल नरम पसंद है खाना तो आप इसे नाइन्टी तक कुक करें मगर इस तरीके से देखिए एटी टू एटी तक आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है मेक श्योर आप इस रेसिपी को ट्राई करें बहुत ही यामी बन रेडी हुई थी आपने एक मरतबा इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज के लिए हमें फॉलो करें हमारी वीडियोज़ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग